नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं News 24x7। सुशासन राज में अपराधी नहीं बल्कि थानेदार ही रंगदारी वसूल रहे हैं। तब और अब में अंतर सिर्फ इतना है कि पहले बिना वर्दी वाले अपराधी फिरौती वसूलते थे, अब वर्दी वाले अपराधी। मोतिहारी में एक ऐसे ही मामले का खुलासा हुआ है, जहां एक थानेदार ने एक शख्स से 9,50,000 की फिरौती वसूली है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही एसपी ने थानेदार विक्रांत सिंह को सस्पेंड कर दिया है। मामला बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की है। पचपकड़ी ओपी के थाना प्रभारी विक्रांत सिंह और जमदार डीडी सिंह पर 9,50,000 रुपए फिरौती वसूलने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित व्यक्ति ने पचपकड़ी के थाना प्रभारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर एसपी को आवेदन दिया था। थानेदार पर केस दर्ज करने वाले शिकायती पत्र में कहा गया है कि 10 जुलाई 2022 को हम अपने घर पे थे, इतने में पचपकड़ी ओपी के जमदार डीडी सिंह दल बल के साथ घर पहुंचे। उन्होंने मेरा नाम पूछा और कहा कि आपको बड़ा बाबू बुलाए हैं, आपको थाने चलना होगा। वह हमें जबरदस्ती थाने ले आए, पूरी रात मुझे थाने में रखा गया। फिर 11 तारीख की सुबह मुझसे बोला गया कि आप अपने पुत्र मोहम्मद आसिम को फोन से यहाँ बुलाएं। जमदार ने भी मेरे पुत्र से बात किया और कहा कि थाने पर आइए, कुछ पूछताछ करनी है। एक घंटे के बाद मेरा पुत्र भी थाने आया, उसी समय पुत्र को भी कस्टडी में ले लिया गया। थानेदार विक्रांत सिंह ने कहा कि मैनेज करो, नहीं तो जेल भेज दिए जाओगे। मांग की रकम 15 लाख रुपए रखी गई, जिसके बाद तमाम नेगोशिएशन के बाद 9,50,000 रुपए मामला फाइनल हुआ। वही शिकायतकर्ता का भतीजा अगले सुबह पैसे लेकर थाने पहुंचा, जहां थानेदार ने दलाल के द्वारा पैसे रख लिया। वहीं फिर पिता पुत्र को एक सादे कागज पर लिखवाया गया कि शंका के आधार पर पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया था। थाना प्रभारी ने यह भी हिदायत दी कि किसी को बताओगे तो जेल भेज दिए जाओगे। बताया जाता है कि सिकराना डीएसपी इस दौरान थाने पहुंचे तो इन पुलिसकर्मियों ने शख्स को दूसरे जगह छुपा दिया ताकि उनकी नजर न पड़े। हालांकि अब थानेदार की सारी करतूत की पोल खुल गई है, थाने बंद रखने की तस्वीर भी सामने आ गई है। पीड़ित शख्स खोदादानी जो भंडारा गांव का रहने वाले हैं, वे कुछ दिनों तक डर से चुप रहे, लेकिन उनके अंदर का आग धधक रहा था। वहीं मामला जब स्थानीय बीजेपी विधायक पवन जायसवाल के संज्ञान में आया, जिसके बाद विधायक ने मोतिहारी के एसपी से बात की, जिसके बाद मामला गंभीर होते देख एसपी ने थानेदार को निलंबित करते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, News 24x7।